दोस्तों आप सभी का स्वागत है रंजना भेजपुर चैनल में। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। आप लोगों को मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि हम लोग आए हुए हैं अपनी ननद के घर पे। मेरी ननद के बेटे की शादी है और आज जो है बारात जाएगा। सबसे पहले आप लोग हमारे दीदी के यहाँ की कुलदेवी की मैया की दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर देखिए चौरा माता हैं। सभी के गाँव में जो है एक कुलदेवी मैया ज़रूर होती हैं। तो ये देखिए हमारी दीदी के यहाँ की हैं और सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? क्योंकि जो शादी का गहना होता है और कपड़ा होता है यहाँ पर पहले देवी मैया को चढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद जो है शादी में जाएगा। ये देखिए गहना लेकर आए हुए हैं, देवी मैया को जो है चढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद लेकर जाएंगे। तो हमारी जो ननद जी हैं उनकी सास जो है सब कुछ वही कर रही हैं। ये देखिए बूढ़ी दादी माँ सब कुछ गहना और जो है साड़ी चढ़ा रही हैं और साथ में हमारी बड़ी दीदी भी हैं। देवी मैया को पहले चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद जो है दुल्हन पहनेगी सारा गहना। शादी ब्याह दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के करना पड़ता है, संभाल संभाल के कब होता है। तो ये सब जो है देवी भगवान को पहले याद किया जाता है, फिर उसके बाद बाकी काम होता है। तो देखिए यहाँ पर चौरा माता को जो है सब कुछ चढ़ा दिया गया है। अब चलेंगे घर पे, तो बाजा के साथ जो है आए हुए हैं धूमधाम से यहाँ पर चढ़ाने के लिए। तो सभी ले देखिए यहाँ पर बहुत तेज़ी से जो है नाच रहे हैं। यहाँ पर देखिए बच्चे लोग जो है ढोल बजा रहे हैं, ये लोग जो है अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं। बोल रहे हैं पहले हम लोगों को कुछ पैसा दो, फिर उसके बाद ही अंदर जाने देंगे। तो देखिए दीदी हमारी बड़ी दीदी पैसा दे रही हैं और तब उसके बाद जो है अंदर जाने देंगे। देखिए अब बगल हो गया, अब अंदर जाने देंगे, नहीं तो अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे ये लोग। अब जो है दोपहर का टाइम हो गया है। अब यहाँ पर जो है दूल्हे की हो रही है तैयारी, दूल्हे को सजाया जा रहा है। सबसे पहले दूल्हा को नहलाया जा रहा है, तो जो कि उनकी बुआ लोग ही नहलाती हैं, जो कि परात में बैठा कर नहलाते हैं। देखिए परात में जो है पैर रखे हुए हैं और नहा रहे हैं। लखनऊ वाली पार्टी ना, मत करा साबुन लगा छोड़ दे, बस 50 रुपया बैग चल दिया। कोल नहीं चमड़ा अब का दे तू मालिक है। हेलो न्यू बजट डीजे वाली पहले नहाए तो नहीं आना नाचा कहाँ रही ना वही क्या इतना जोर था सर कम आए बड़ा तेज अब कोई नहीं क्या बोल अब एक साबुन नहीं सर अब हम होना देखा निकल गया नोनो पचे देखे कब चंग ढिल लई लई नहीं पाओ 10 रुपये वाले साबुन 10 रुपये दे।
देखा सही उल्टा ट्राइव ना जल्दी लेके आओ अभी यहाँ पर देखिए जो होता है कि माड़ब में सभी लोग को बांधा जाता है जो है मामी और फूआ और घर के सभी सदस्य लोग सभी लोग को जो है यहाँ पर रस्सी से बांध दिया जाता है और जिसके पास जो पैसा होता है सभी लोग पैसा लेकर के यहाँ माड़ब के पास खड़े हो जाते हैं। देखिए सभी लोग खड़े हो गए हैं अब जो फूफा जी सबके पैसे ले रहे हैं तो फूफा का ही पद होता है पैसा लेने का। तो ये रहा दूल्हा की गाड़ी, दूल्हे की गाड़ी यहाँ पर सज गई है तो कुछ इस तरीके से जो है सजावट हुआ है और इधर सभी लोग जो है डांस कर रहे हैं, डीजे बज रहा है और स्प्रे उड़ा के नाच रहे हैं। तो यहाँ पर सभी लोग देखिए दर पे खड़े हुए हैं बारात की विदाई करने के लिए और अभी शाम हो गई है तो दूल्हा भी एकदम तैयार हो गया है। अभी फिर से सभी लोग चलेंगे वहाँ पर जो है कुल देवी मैया के पास, वहाँ पर जाने के बाद ही जो है दूल्हे की विदाई होगी। अभी यहाँ पर देखिए सभी लोग डांस कर रहे हैं तो सब लोग गाँव के और घर के रिश्तेदार सब लोग खड़े होकर यहाँ पर जो है देख रहे हैं।
अब यहाँ पर दूल्हे का हो रहा है परछावन, कुलदेवी मैया का दर्शन हो गया है, सभी लोग कर लिए पूजा वूजा सब कुछ कर दिए हैं। अब दूल्हे का परछावन हो रहा है, परछावन होगा फिर उसके बाद जो है अब यहाँ पर बारात की विदाई होगी। और सभी लोग जो है डीजे पे जोर शोर से एकदम नाच रहे हैं, क्योंकि आज का दिन होता है बहुत ही खुशी, सभी लोग डांस करते हैं नाचते हैं बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो इनकी दादी माँ हैं इनका जो है परछावन कर रही हैं। इतना ढेर सारी गाड़ी जो है जाएगी बारात में, अब सभी लोग यहाँ जाने की तैयारी हो रही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों के साथ जल्द से जल्द अगला भी वीडियो आएगा, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार दोस्तों।